और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। नमस्कार, मैं हूँ शमशीर आलम और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। आखिरकार जीतू पटवारी का बयान सामने आ ही गया। कमलनाथ के मंत्री ने आज अपने इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे माफ़ी मांगने से क्या करप्शन कम हो जाएगा। मेरे माफ़ी मांगने से यदि करप्शन कम हो जाता है तो एक बार नहीं 100 बार माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। उल्लेखनीय है कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से पटवारी को रिश्वतखोर कहा था, जिसके विरोध में प्रदेश भर में पटवारियों ने 3 अक्टूबर को माफ़ी नहीं मांगने पर हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। इंदौर में मामले में मंगलवार को उच्च शिक्षा मंत्री ने सफाई दी। उन्होंने कहा, मैंने जो कहा वह इंदौर ब्लॉक और मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए था। मेरे पास 370 शिकायतें आई हैं, जिसमें से 86 शिकायतों में जमीन संबंध है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं राजस्व विभाग की यह चूक है। मेरे माफ़ी मांगने से क्या करप्शन कम हो जाएगा, यदि बात तो इस प्रकार से तुल्य स्वाभाविक प्रक्रिया के अंग में नहीं आता है। फिर भी यदि किसी को ठेस पहुंचा हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मंत्री पटवारी ने कहा कि मैं मंत्री हूं और कलेक्टर को निर्देश करना मेरा दायित्व है, मेरा धर्म है। मेरे पास 370 शिकायतें आई हैं, जिनमें से 86 शिकायतें जमीन से संबंधित हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं राजस्व विभाग भी चूक कर रहा है। यह वहाँ तक एक विधायक बताएगा। मेरा उद्देश्य किसी को भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, पर मेरा यह उद्देश्य जरूरी था कि करप्शन कम हो। जिन्होंने मुझे वोट दिया है, मैं उनकी मदद करूंगा। धन्यवाद। हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। विषय माफ़ी का और विषय मेरे माफ़ी मांगने से अगर करप्शन कम हो जाता है तो मैं एक बार नहीं 100 बार मांगना चाहता हूँ। दूसरी बात, और मेरा भाव पर्टिकुलर, मैं मंत्री हूँ, डीएम को निर्देश करना मेरा दायित्व है, मेरा धर्म है। मैं 370 शिकायतें आई टोटल, उसमें 86 शिकायतें जमीनों से संबंधित या भूमि से संबंधित आई। इसका मतलब था कि इंदौर ब्लॉक के हमारे जो परिवारजन हैं, उनके जो इस राजस्व विभाग के कहीं कहीं चूक है, कमी है। तो ये एक वहाँ का विधायक या जनप्रतिनिधि बताएगा तो कौन बताएगा? अब इससे मैं किसी की भावना को ठेस पहुँची तो मैं तो किसी की भावना को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य नहीं था, पर मेरा उद्देश्य ये जरूर था कि करप्शन कम हो और जिन्होंने मुझे वोट दिया मैं उनकी मदद करूँ, और ये मेरा दायित्व है, करूँगा, इसमें मैं रुकूँगा भी नहीं। पर फिर भी परिवार के वो लोग जिनको मेरे भाव से कोई दुख पहुंचा हो, मैं उनसे माफ़ी मांगने में छोटा नहीं हूँगा, मैं बड़ा हुआ, पर मेरा दायित्व है कि मैं तो माफ़ी मांग लूँगा, पर क्या करप्शन मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग का कम होगा, ये दायित्व सबका है नहीं है। ये हर व्यक्ति का जो उस राजस्व विभाग में कर्मचारी है उसका है या नहीं है। मध्य प्रदेश में करप्शन रहित हो, ये दायित्व सरकार का है या नहीं है? जनता प्रतिनिधि का दायित्व है कि करप्शन के खिलाफ बात करें, मैंने की, और आगे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी के विरोध में बात करना, किसी को, पूरे कौम को इस तरह के खिलाफ मेरी बात नहीं थी। मैंने ट्वीट करके कहा है, मैंने पर्टिकुलर इंदौर ब्लॉक के पटवारियों के संबंध में जो शिकायत आती है उनको लेके कहा है, और वो शिकायतें सिद्ध हुई जो शिकायतें मिली। अभी मैं ऐसा होगा तो मीडिया में सारी जितनी शिकायतें आई उसका दे दूंगा और फिर उनसे पूछ लूँगा कि ये क्या हुआ। मेरे मन से अगर मैं कहता तो दायित्व मान नहीं आती, और मध्य प्रदेश के पटवारियों से, राजस्व विभाग के अधिकारियों से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर मेरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों से है। मेरा वक्तव्य उस संदर्भ में था। किसी को इसकी ठेस पहुँची है तो मैं खेद व्यक्त करता।